दोस्तों, सारस और आरिफ की दोस्ती आपने देखी और सुनी होंगी। अमेठी जिले के आरिफ भाई को सारस खेत में मिला, जो घायल अवस्था में था। आरिफ सारस को घर लाते हैं और सारस का देसी उपचार कर जब सारस ठीक होता है तो सारस आरिफ के साथ ही रहने लगता है। दोस्तों, ऐसे ही एक सारस पंछी और इंसान की कहानी इन दिनों काफ़ी वायरल हो रही है। वो कहानी सारस पंछी और आमिर भाई की है। प्रयागराज के आमिर को भी सारस मिलता है। आरिफ को मिले सारस से आमिर का सारस काफ़ी छोटा था। आमिर सारस को अपने घर लाते हैं और उसे अपने घर ही रखते हैं। आमिर का सारस के प्रति प्यार देख सारस पंछी आमिर का दीवाना हो जाता है और आमिर के बगैर एक पल भी सारस नहीं रह पाता। दोस्तों, सारस और आमिर की दोस्ती आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।